हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक है कि आपके घर में पढ़ रहा शिशु है वो क्या है, एक लड़का है या एक लड़की, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनको ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि उसको क्या होगा, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, तो उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है दोस्तों। तो आप वीडियो को उसी एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए, ठीक है ना। पर्सनल कोई भी आप रीज़न के तौर पर इसको मत लीजिए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं कि आप आलू से भी जान सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु है वो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको आपका सुबह का सबसे पहला जो यूरिन होता है ना, वो एक अच्छे धुले हुए पात्र में ले लेना है। फिर आपको क्या करना है कि आलू की एक छोटी सी स्लाइस है वो काट कर उस यूरिन में आपको डाल देनी है। फिर आपको 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। फिर आपको देखना है कि अगर वो जो आलू का टुकड़ा है वो काला पड़ने लगता है या फिर उस पर बबल्स बनने लगते हैं, तो ये संकेत है वो घर में एक लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों, अगर आलू का टुकड़े में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आपको, तो ये संकेत है दोस्तों वो घर में एक लड़की होने का माना जाता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये जो सिम्टम्स है ना, वो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएँ हैं वो कह के गई है, ठीक है। बाकी साइंस इसको नहीं मानता है, वैज्ञानिक तौर पर हम इसे नहीं मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ आप ये वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिए। आप चाहे तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो को कैसा लगा वो एंड तक देख कर ज़रूर बताना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।